अरे यार मैं आउट हो गया, छोड़ दे रे, अरे छोड़ दो, मैं आउट हो गया रे, अरे अरे मैं छोड़ो छोड़ो, अरे मैं आउट हो गया रे, आउट हो गया रे, अरे आउट हो गया रे मैं। लोगों को मारने का बहुत शौक है ना? ए खबरदार, बीच में नहीं आने का, आपस का मामला है। कौन गधे की तरह चिल्ला रहा है? अरे प्रेम, ये तुम लोगों ने क्या हालत बना रखी है यार? कबड्डी के मैच में कौन जीता और कौन जीतेगा? करण जीता, करण। करण? ये देख यार, ये देख, ऐसी ऐसी जगह मारा जहाँ मारना नहीं चाहिए था, वहाँ भी मारा उसने। ऐसे पेड़ तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ में घास फूस को भी नहीं छोड़ा उसने। यार यार तू हमेशा मार खाने के बाद मेरे पास ही क्यों आता है? हाँ, तुझे शर्म दिलाने के लिए, ना खुद कुछ किया ना मेरा चक्कर चला है। अरे करण की बहन के साथ मेरी शादी हो जाती तो क्या वो मुझे इस तरह मारता? तेरी वजह से मैं कुंवारे सांड की तरह सूख के जंगलों में फिर। बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहने के लिए यहाँ बुलाया हूँ कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई? क्या बताऊं, मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होने को बाकी है, सिर्फ 7 महीने बाकी है। क्या सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना? हाँ, मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है, माँ बनने वाली है ये। क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है? अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सुलूक किया? अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। वो इंसान के नाम पे कलंक है, इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं, करण है, करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसे बैठे रस्ते पर, अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही, इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण ने किया है? ये कौन है घनचक्कर यार जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए, मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। मैं बेकसूर हूँ, मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया।